स्वागत है स्पाइस बॉक्स में। दली थॉय है एक आसान कोंकणी दाल जो बनती है हरी मिर्च, अदरक और हींग से। ज्यादातर ये दाल सर्व की जाती है कोंकणी फेस्टिवल्स में और ये कोंकणी लोगों के प्रिय कंफर्ट फूड में से एक है। आइए सीखते हैं कैसे बनानी है दली थॉय। शुरुआत करने से पहले आइए देखते हैं क्या चाहिए बनाने के लिए ये दली थॉय। मेरे पास है लगभग एक कप तूर दाल जिसको धोकर सोख करके छाना हुआ है, सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ते, थोड़ा अदरक का पेस्ट, हल्दी, हींग, राई के दाने, धनिया, घी तड़के के लिए और थोड़ा नमक। मैंने रखा है कुकर गैस पे, इसे गरम कर लूँगी। इसमें डालूँगी तूर दाल। अब इस दाल में मैं डालूँगी थोड़ा अदरक, थोड़ा नमक और थोड़ी हल्दी, डालूंगी थोड़ा सा पानी। अब इस दाल को पकने देंगे 3 मिनटों के लिए। आप चाहें तो डाल सकते हैं कटी हुई हरी मिर्च, निर्भर करता है कितनी तीखी दाल पसंद है आपको। प्रेशर अब कम हो चुका है, आप देख सकते हैं कि दाल पक चुकी है। इसे मिला लूंगी। अब इस दाल की जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से एडजस्ट करके पानी डालेंगे इसमें। और अब इसे उबलने देंगे। अब हम इस दाल को उबलने देंगे पानी को एडजस्ट करने के बाद। अब इसे शिफ्ट करूंगी इस गैस पे और मैं तैयार करूंगी तड़का इस दाल के लिए। तड़का पैन में मैं डालूंगी घी, इसे गरम होने दूंगी और इसमें मैं डालूंगी ये सारे मसाले। तो एक बार घी गरम हो जाए सबसे पहले डालेंगे राई के दाने, एक बार ये तड़तड़ने लगे इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च, अब डालेंगे कड़ी पत्ता और थोड़ी हींग। लेंगे ये गरम तड़का और डालेंगे इसको दाल के ऊपर और फिर डालेंगे कटा हुआ धनिया और मिला लेंगे इसे और उबालेंगे इसे 2 से 3 मिनट तक और हमारी दली थॉय तैयार हो जाएगी। ये आसान और स्वादिष्ट दली थॉय अब सर्व कर सकते हैं। ये आप खा सकते हैं गरम चावल के साथ। आप डालिए इसमें 1 चम्मच घी या डैश ऑफ लेमन। ये कंफर्ट खाना श्योरली बन जाएगा आपके रोजमर्रा के खाने का हिस्सा।